One. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल हुनर अकेडमी इन इंक्रीज योर वैल्यू लिव योर लाइफ एंड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ क्रिएटर कम्युनिटी। तो जो मैंने कुछ समय पहले वीडियो अपलोड किए थे उनमें मैंने बताया था कि हुनर अकेडमी में आपके लिए कुछ ऐसे कोर्सेस लाने वाला हूँ जो टाइम की रिक्वायरमेंट है और जिन कोर्स को करके आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, एक आप प्रोफेशनल स्किल अचीव कर सकते हैं और अपने करियर को नई हाइट्स तक पहुंचा सकते हैं। तो जो कोर्स है आपको स्लाइड पे नाम दिख रहा होगा, टैली की अकाउंटिंग एक्सपर्ट किंग। तो कोर्स का नाम आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, इसके पीछे रीजन ये है कि पर्टिकुलरली मैंने काफी स्टूडेंट को लर्न कराया हुआ है टैली। तो इसमें जब हम कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उस समय मजा आता है, कुछ नया सीखेंगे, टैली एक बहुत बड़ी चीज है, वाओ अकाउंटिंग। लेकिन जब स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो बीच में गैप्स हो जाते हैं, कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, कई स्टूडेंट बीच में शुरुआत में अच्छा लगता है, बीच में उन्हें बोरिंग लगता है और कुछ स्टूडेंट बिल्कुल एक ही फ्लो में चलते हैं, पूरा लर्न नहीं करते हैं। तो अगर आप एंटायर कोर्स कर लेते हो देन आपसे उम्मीद ये की जाती है कि टैली के एक्सपर्ट होंगे, अकाउंटिंग के एक्सपर्ट होंगे, आप सब काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो वहाँ आप लाइक नॉट एक्सपर्ट, वहाँ आपको फिर 10 तरीके की बातें सुननी पड़ती हैं, अपने काम से सीखा क्या सीखा, और उस समय फिर आप एक्सक्यूज के अलावा कोई आपके ऑप्शन नहीं होता और वहाँ पे आप इतना टाइम नहीं रहता। फिर एक बार जो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो अपने लर्निंग के लिए दिया हुआ था, कि आप दोबारा से फिर ABCD पढ़ना स्टार्ट करें। तो कई बार अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ABCD पढ़ना स्टार्ट करनी पड़ती है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने ये कोर्स बनाया है टैली की अकाउंटिंग एक्सपर्ट टीम। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो आप टैली एक्सपर्ट बन जाते हो, अकाउंटिंग एक्सपर्ट बन जाते हो। टैली नहीं बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर आता है अकाउंटिंग का, उसका इजीली वर्क कर सकते हो और आप अच्छे अकाउंटिंग स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। तो ये कोर्स किन लोगों के लिए, किन को कोर्स को करना चाहिए, लेट्स देखते हैं। पहले अगर आप अकाउंट फाइनेंस टैक्सेशन कंसल्टेंसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, आपके लिए ही कोर्स बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप CA फाइनेंस के फील्ड में भी बड़ा कोर्स करने जा रहे हैं, CA के अलावा CMA इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सेट्रा, या आप पहले से कोई जॉब करते हैं, आर यू वर्किंग पर्सन हु वांट टू इंक्रीज हिज कंप्यूटर नॉलेज फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर आप पहले से ही जॉब करते हैं तो आप अगर आप टैली सीख लेते हैं, अकाउंटिंग सीख लेते हैं, तो आपके लिए एक नई फील्ड, नई अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है। जो टाइम फिलहाल है क्योंकि तो डॉक्यूमेंटेशन काफी जरूरी हो कर दिया गया है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको उसके पास डिटेल होनी चाहिए कि आपने कैसे किया था, कब किया था, कहाँ से आया था पैसा, कहाँ गया, पूरा आपके पास डिटेल होना चाहिए। उसके अलावा आप बैंक से आपके लोन से, तो समय समय पर आपको स्टॉक सर्टिफिकेट, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करके आपको देना होता है, बैलेंस शीट, प्रोविजनल बैलेंस शीट, स्टेटमेंटेड बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब आपको बैंक को देने होते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। उसके अलावा अगर आप बिजनेस पर्सन है और आपको कोई अकाउंटेंट नहीं मिल पा रहा, या अगर आपका अकाउंट में इंटरेस्ट है, आप खुद चाहते हैं कि मैं अपने खुद अकाउंट मेंटेन करूं, तो भी ये कोर्स आप कर सकते हैं इजिली। आप ये कोर्स करने के बाद आप इजिली खुद ब खुद अपने पूरे अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं एक्सपर्ट वे में, आप टैली के किंग बन जाएंगे, लाइक किंग ऑफ अकाउंटिंग। हेलो अगेन, आई एम राजन आर्टमोवाल, वेलकम टू हुनर अकेडमी इन। I will help you to get the above goal and make you independent accountant. मैं आपकी हेल्प करूंगा जो भी मैंने गोल्स बताए उनको अचीव करने में और आपको एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट बनाने में। आप किसी पर डिपेंड नहीं हो, आप खुद ब खुद अपने अकाउंट्स को फाइनल कर सके, ये हमारा एम रहेगा इस कोर्स से। आगे देखते हैं।
द मोस्ट पॉपुलर एंड सिंपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली एआरपी 9। जो टैली एआरपी 9 है कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम इन्वेंटरी, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, पेरोल, बैंकिंग, कॉस्ट सेंटर, जॉब कॉस्टिंग और भी बहुत सारे फीचर्स सीखेंगे। आगे देखते हैं। ये कोर्स मैंने 3 स्टेप्स बताई हैं लर्निंग के लिए जिन्हें आप लर्न कर सकते हैं और ये तीनों मैंने भागवत गीता जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ी हुई है जिनपे ज्ञान तक मैंने पढ़ा है, फिर मैंने अभी बेसिक स्टार्ट कर दिया पढ़ना दोबारा से ताकि मैं अच्छे से उसकी लर्निंग को अपनी लाइफ में ले सकूं। बिकॉज आप पूरा पढ़ लो और आपने उसकी लर्निंग को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लिया तो उसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने समराइज किया है वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो मैंने अपनी लाइफ में और अपने कोर्स में लाया। तो फर्स्टली ये बेसिका, व्हाट इज बेसिका, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ हम टैली नहीं सीखेंगे, यहाँ हम सीखेंगे अकाउंट होता क्या है, अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, ओल्ड मेथड क्या थे, न्यू मेथड क्या थे और आगे आने वाले समय में किस तरीके से हमें अकाउंट मैनेज करने होंगे। तो ये सब हम बेसिका में सीखेंगे। लाइक अ कैरेक्टर बिल्डिंग, यहाँ पे चरित्र बनता है पर्टिकुलर कोई भी काम करने से पहले, इमेज कि हमें कोई वर्क किस तरीके से करना वो आपका बनेगा। तो चरित्र निर्माण फर्स्टली हम सीखेंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग इज अ बेसिक का बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल रहेगा। सेकेंड हमारा रहेगा इंटरमीडिएट लेवल, बिकॉज आपको पता चल जाता है कि आपका ड्यूटी डिफाइन है, ये हमें क्या करना, किस तरीके से करना, प्रिंसिपल डिफाइंड है, देन हमें जो काम करना होता है वो हम करते हैं कर्मा मोड में। ये भी भागवत गीता से लिया गया कर्मा मोड, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने अगर चरित्र डेवलप कर लिया देन आपको काम करना कंपलसरी है। बिकॉज अगर मैं भी इस तरीके से जो मैंने लर्न किया हुआ अगर आपको लर्न नहीं कराऊं पर्टिकुलरली बस तो वो वक्त कैसे होगा, संभव नहीं है। कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई जो मेरे स्टूडेंट अच्छे से टैली एक्सपर्ट बने, बिकॉज अगर 2 महीने मैंने लर्न कराया होगा तो किस जो क्लास मैंने मिस कर दी उसकी पूछ नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो अगर ये जो कोर्स है इसमें इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरीके से आप लर्न कर सकते हैं और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे टेलीकोलिंग प्रशिक्षण ले सकते हैं। कर्मा मोड, तो कर्मा मोड जब हम करते हैं तो पूरा A to Z वर्क इसमें रहेगा आपका कि हमें किस तरीके से वर्क करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, भले वो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो, आपको एनजीओ का बिजनेस हो, आपका पेट्रोल पंप हो, आपका किराने की दुकान हो, आपकी फर्नीचर का शॉप हो, आपका कपड़े का दुकान हो, A to Z हम किस तरीके से वर्क किया जाएगा ये हम सीखेंगे इंटरमीडिएट लेवल में। अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, A to Z जो भी हम सब कर्मा मोड में सीखेंगे। उसके बाद लास्टली आता हमारा एडवांस सेक्शन जिसमें हम सीखते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशोस, अदर प्रोविजनल बजटिंग, ये सब हम रिपोर्टिंग सेक्शन में सीखेंगे। और कंट्रीब्यूशन किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करके अपने जो रिपोर्ट हमें रिक्वायरमेंट है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि भगवद गीता में कहा गया कि आप एक अपने कर्म किए जाओ बल्कि चिंता मत करो, लाइक दैट टैली में ऐसे ही होता बिकॉज मैं टैली खुद करता हूँ तो काफी स्टूडेंट को सिखाया हुआ, मेरी टीम भी है जो काफी हम इस पर वर्क करते हैं। एक हमारा BPO है अकाउंटिंग का। तो कर्मा मोड में आप अगर अच्छे से वर्क करते हो तो आपकी रिपोर्ट जो आपने कर्म में किया होगा वही आपको रिपोर्ट में मिलेगा। अगर आपने ऊपर गलती किया होगा तो ऊपर से आपको सही करना होगा देना आपको रिपोर्टिंग सही मिलेगी। तो कर्मा मोड में हम जो भी वर्क किया होगा रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली जनरेट जाती है। तो रिपोर्टिंग सेक्शन में पूरी रिपोर्ट जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हम इसमें प्राप्त करेंगे। आगे देखते हैं। जो कोर्स है हमारा 3 फॉर्म्स में अवेलेबल रहेगा। पहला यूट्यूब, क्योंकि वेबसाइट हम अभी कंप्लीट नहीं हुई बन गए तो फिलहाल हम यूट्यूब में आगे रखेंगे प्लेटफॉर्म, क्योंकि बना बनाया प्लेटफॉर्म है हम इसका यूज करें, कोई चीज हमारे लिए बनाई गई है। सेकेंड है पेन ड्राइव, आप हमसे पेन ड्राइव परचेज कर सकते हैं, पूरा कोर्स आपको उसमें मिलेगा। आप घर में बैठे बैठे कहीं भी आप सीख सकते हैं, मोबाइल में भी डाल के सीख सकते हैं इजिली। तीसरा जो फॉर्म है वो है फेस टू फेस क्लासेस, जो फिलहाल टाइम प्रॉब्लम के कारण मैं ले नहीं पा रहा हूँ। गोविंद सर हमारे एक्सपर्ट जो फिलहाल क्लास ले रहे हैं और क्लास का टाइम है मॉर्निंग 8 to 9, 9 to 10, 2 batches हैं। तो आप अगर चाहते हैं फेस टू फेस क्लासेस लेना तो हुनर अकेडमी इन कैंपस में आपका स्वागत है। So thank you guys.
मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया, मैंने जैसे कहा था एक